दोस्तों, उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान टेलीविजन पे नशर होने वाला तुर्किश ड्रामा सीरियल इर्तुगरल इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों में जज्बा ईमानी जगाने में मसरूफ है। मगर दुबई और सऊदी अरब की तरफ से इस ड्रामा को बैन भी कर दिया गया है। लेकिन ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ एक फिक्शन होती है, फिर भी मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी हैं, उनको इर्तुगरल गाजी से जुनूनी लगाव हो चुका है। और इस ड्रामा में जब भी कोई बुरे किरदार वाला मरता है तो उन्हें खुशी होती है, और जब कोई असली मुजाहिद इस सीरियल में शहीद होता है तो उनके गम में दिन रात स्टेटस लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो भी इर्तुगरल गाजी में होने वाली 10 ऐसी अमवात के बारे में है जिनके मरने पे नाजरीन हकीकत में रो पड़े। तो चलिए जानते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, शहीर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं हलीमा सुल्तान के भाई शहीर की मौत के बारे में। शहीर की जिंदगी मुश्किलात में घिरी हुई थी और बचपन से ही शाही खानदान का चश्मो चराग होने की वजह से वो दुश्मनों से भागते हुए अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार देता है, और फिर बिल आखिर उसे 9 उम्र में ही शहादत नसीब हो जाती है। और हलीमा सुल्तान अपने भाई को अपनी आँखों के सामने मरता हुए देखती है, जो एक तकलीफ दे मरहला होता है। लेकिन शहीर की शहादत इस वजह से भी इज्जत अफजा थी क्योंकि वो आखिर तक अपने कबीले और अपने कबीले के लोगों के साथ वफादारी करता है। नंबर 9, सलमान शाह। दोस्तों, सलमान शाह जो कि काई कबीले के सरदार भी थे और अर्तुगरुल के वालिद साहब भी थे, और इनकी जिंदगी अकम्पलिशमेंट से भरी हुई थी। इनकी मौत अपने दो प्यारे बेटों की बाहों के अंदर हुई, और चूंकि सलमान शाह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके थे तो ये मौत थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी। और इस शहादत की तवक्का कुछ इसलिए भी थी क्योंकि इनकी मौत के फौरन बाद जैसे कहानी आगे बढ़ी और एक नया रुख कहानी के अंदर पैदा हुआ, और इसके साथ साथ जहां इस मौत ने काई कबीले की सियासत के अंदर एक खलाब पैदा किया, वहीं सलमान शाह का जो अपना खानदान था उसके लिए भी ये नुकसान बहुत बड़ा था। दोस्तों, सलमान शाह ने जिस तरह अपनी बेगम को अलविदा कहा और जिस तरह अपने बेटों से बातें करते हुए उनकी बाहों में जामे शहादत नोश किया, ये एक शानदार करेक्टर का एक शानदार इख्तिताम था। नंबर 8, समसा आल्प। दोस्तों, एक हंसता मुस्कुराता खुश शक्ल खुश मिजाज ये नौजवान सारी जिंदगी अपनी तलवार को हक के लिए बुलंद करता है, जो इस्लाम की सर बुलंदी के लिए लड़ता है, जो हक के लिए सच के लिए लड़ते हुए बिलाखर जामे शहादत नोश कर लेता है। दोस्तों, इसकी शहादत जिन हालात में हुई और जिस तरह से इसके अपने लोगों ने ही इसके साथ गद्दारी की, और दुश्मनों के बीच जिस तरह से वो तन तनहा जामे शहादत नोश करता है, ये मंजर लोगों को रुला देता है। समसा आपकी शहादत ने अपने देखने वालों पर एक गहरा असर डाला, और ऐसा मुमकिन है कि लोग इस करैक्टर को लंबे अरसे तक याद रखेंगे। नंबर 7, दिली दमीर। दोस्तों, दूसरे सीजन के एंड पर एक ऐसे करैक्टर की शहादत वाकया होती है जो हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट या सेकंड मोस्ट फेवरेट करैक्टर रहा है, और वो करैक्टर है दिली दमीर का। दिली दमीर जो कि एक जबरदस्त लोहार, एक मुखलिस इंसान और एक ऐसा इंसान जिसका कहानी सुनाने का अंदाज दिल मोह लेता है। दिली दमीर बच्चों से मोहब्बत और शफकत करता है, जबकि बड़ों की इज्जत, और जिसने अपना सारा खानदान हक की राह में लड़ते हुए कुर्बान कर दिया और बिल आखिर जामे शहादत नोश कर लिया। ये एक ऐसा जज्बाती मंजर था जब दिली दमीर की आखिरी रसूमात हो रही थी और बैकग्राउंड पे जो दिली दमीर की आखिरी कहानी चल रही थी, तो एक ऐसा मंजर बन रहा था कि इस सीन को पूरे ड्रामे के टॉप मोमेंट्स में शुमार किया जा सकता है। और ऐसा दुख, ऐसा रंज और ऐसी तकलीफ इस करैक्टर की मौत के बाद पैदा होती है जो शायद ही किसी और सीन में पैदा हुई हो। नंबर 6, रोशनी। दोस्तों, रोशनी एक ऐसा किरदार है जो कि पहले सीजन के आगाज से ही आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है और आपको इससे हमदर्दी होने लग जाती है। जिस तरह से इर्तुगरुल की जानब से रोशनी की मोहब्बत को नजरअंदाज किया जाता है, तो उसका दर्द दिल, उसका तन्हाई में रोना, तो ये तमाम चीजें हमें रोशनी की तरफ हमदर्दी के जज्बात पैदा करने पे मजबूर कर देती है। फिर हिजरत के बाद रोशनी जब एक नए कबीले में जाती है तो वहाँ पर उसकी तैमूर के साथ
एक नई इंटरेक्शन शुरू हो जाती है और फिर उससे शादी करके जिस तरह से उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तमाम चीजें रोशनी की मौत को एक दुखी सीन बनाती हैं और फिर उसका अपने शौहर के सामने जमे शहादत नोश करना भी एक दुख भरा लम्हा था। नंबर 5, शहीना। दोस्तों, इस ड्रामा में जिस तरह से इर्तुगरल और हलीमा सुल्तान की लव स्टोरी बहुत ज्यादा फेम हासिल कर रही है, वहीं पे दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट लव स्टोरी नूरगुल और शहीना की है। आपने इस ड्रामा में देखा होगा कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये किस तरह से एक लंबे अरसे के लिए अपनी शादी का इंतजार करते हैं। इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के कुछ अरसे बाद ही जब काई कबीला हिजरत कर रहा होता है तो उस पर मंगोल हमला करते हैं और शहीना को बड़े दर्दनाक तरीके से जला दिया जाता है। मगर शहीना किसी तरह से बचकर एक नए कबीले में पहुंचती है जहां पर उसका इलाज किया जाता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा नहीं बच पाती और फिर जिस तरह से वो अपने बाबा दिलीद अमीर और नूरगुल की बाहों में दम तोड़ती है, ये मंजर ऐसा था जो कि बहुत ज्यादा रुला देने वाला है। शहीना की कमी इस ड्रामा के एंड तक महसूस की जाती है। नंबर 4, जूनियर सुलेमान शाह। दोस्तों, जूनियर सुलेमान शाह जो कि गुलदारो और शहनाज खातून का बेटा था और आपने देखा होगा कि किस तरह से गुलदारो और शहनाज खातून औलाद के लिए तड़पते हैं और शहनाज खातून के कितने मिसकैरेज हुए और एक वक्त ऐसा भी आया जब गुलदारो दूसरी शादी करने के बारे में भी सोचने लगता है क्योंकि वो औलाद की नेमत से महरूम होता है। और फिर जब आखिरकार इन दोनों को औलाद मिलती है और फिर इसका नाम इसके दादा सुलेमान शाह के नाम पे रख दिया जाता है। दोस्तों, जूनियर सुलेमान का जिस तरह से बचपन गुजरता है और जिस तरह से इसको टॉर्चर का सामना करना पड़ता है और जिन हालात में इसकी शहादत होती है, ये यकीनी तौर पर देखने वालों के लिए एक अजियतनाक और दुख भरा मुकाम है। नंबर 3, इर्तुगरल। दोस्तों, अब हम जिस मौत का जिक्र करेंगे वो इस ड्रामे में वाकितन तो नहीं होती, लेकिन ये एक्ट इतना बड़ा है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगरचे इर्तुगरल गाजी की इस ड्रामे में मौत या शहादत वाकया नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह से शो किया जाता है कि जैसे इर्तुगरल गाजी शहीद हो चुका है। सबसे पहले तो दूसरे सीजन में ही जब इर्तुगरल गाजी मंगोलियों के हाथ में चला जाता है तो ये लगता है कि शायद इर्तुगरल गाजी शहीद हो चुका है। और जब गुलदारो इसे तलाश करते हुए एक सराय में पहुंचता है तो वो एक जली हुई लाश में से उसकी एक निशानी देखता है और जब वो वापस आके कबीले वालों को बताता है कि इर्तुगरल गाजी अब जिंदा नहीं रहा, तो वो रिएक्शन देखने वाला होता है। और चौथे सीजन में एक बार फिर से ऐसा ही सीन बनाया गया जिसमे इर्तुगरल का सोग मनाया जाता है और जिस तरह से मातम किया जाता है वो देखने वालों को बड़ा ही इमोशनल कर देता है। नंबर 2, रुशान। दोस्तों, रुशान, नूरगुल और बाबर ये तीनों इर्तुगरल के सिपाही और उसके खास दोस्त थे। रुशान का किरदार हमेशा बाबर के जज्बातीपन को और नूरगुल के गुस्से को हैंडल करता था। उसकी ठंडी तबीयत, सुकून वाला अंदाज और मोहब्बत करने का स्टाइल, ये सब मिलकर रुशान के करेक्टर को बड़ा ही इम्प्रेसिव बनाती है। दोस्तों, रुशान की जिन हालात में शहादत होती है ये तन तनहा दुश्मनों के बीच होता है और किसी तरह वो जख्मी हालत में जब अपने कबीले में पहुंचा और अपनी बीवी गुलबानों के सामने और अपने दोनों बेहतरीन दोस्तों के सामने और खास तौर पर इर्तुगरल के सामने जब वो जान देता है तो वो एक ऐसा मंजर होता है जो आने वाले कई दिनों तक लोगों को रुलाते हुए रंजीदा कर देता है। नंबर 1, हलीमा सुल्तान। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल इर्तुगरल गाजी के सबसे दुखी सीन के बारे में जिसे देखकर हर देखने वाला यकीनन रोया होगा। दोस्तों, कोई भी ड्रामा हो या कोई फिल्म हो तो उसमें दो किरदार बहुत अहम होते हैं, एक हीरो का और एक हीरोइन का। तो इसलिए इस ड्रामा में भी सबसे दुखी सीन इसकी हीरोइन हलीमा सुल्तान की डेथ का था, क्योंकि ये ड्रामा देखने वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत इर्तुगरल गाजी और हलीमा सुल्तान से ही करते हैं और चूंकि सारे नाजरीन ही इन दोनों को हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं और जिस तरह से ये अपने तीसरे बेटे उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद मर जाती है और एक बेटा इसे आवाजें दे रहा था और दूसरा बेटा पैदा हो चुका था, तो ये सारी चीजें मिलकर हलीमा सुल्तान की मौत को इस ड्रामे का सबसे दुखी मंजर बना देती है।
तो दोस्तों ये थे अर्तुगरुल गाजी के सबसे सैड मोमेंट्स, जिनकी वजह से हर देखने वाले की आंख में आंसू आ गए। तो दोस्तों इन तमाम अमवात में से कौन सी मौत पर आप सबसे ज्यादा रंजीदा हुए, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।